जय हनुमान जी की। और आप इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग जा रहे हैं हनुमान धाम, जो है रामनगर के बगल में छोई पड़ता है, वहाँ पर बना हुआ है। और हम लोग फर्स्ट बार जा रहे हैं यहाँ पर। बहुत बड़ा हनुमान धाम बना है, हनुमान मंदिर बना है, और मेन रोड से ये थोड़ा सा अंदर है, 1-1.5 किलोमीटर का रास्ता है अंदर को। तो ये रास्ता ठीक है, इतना ख़राब भी नहीं है, और 1.5 किलोमीटर का रास्ता होगा लगभग मेन रोड से। और यहाँ पर हनुमान धाम का जो है श्री हनुमान धाम का बोर्ड भी लगा हुआ है, एरो भी आप देख सकते हैं। ये मेन रोड से हम अंदर को आ गए हैं, तो वहाँ से राइट का एरो लगाया है, और थोड़े इसके बोर्ड के आगे जाने बाद राइट में लेना है हमें। और वहाँ पर जो है पार्किंग की व्यवस्था है, बहुत सारी गाड़ियाँ वहाँ पर पार्क करने की जगह है, और मिठाई भी आप वहीं से ले सकते हैं। कुछ शॉप्स हैं वहाँ पर मिठाई लेने के लिए, या कुछ खाने पीने की चीज़ें भी हैं वहाँ पर, और चुनरी हो गया, पूजा सामग्री हो गया, वो सब वहीं पर आपको अवेलेबल हो जाएगा। और हनुमान धाम के बाद हम लोग जाएंगे बुआ के वहाँ पर, जो रामनगर से थोड़े से आगे टेढ़ा पड़ता है, गांव का नाम है टेढ़ा। तो वहाँ पर जो है बुआ रहती है, तो उसके बाद हम लोग जो है शाम को बुआ के घर जाएंगे, क्योंकि वानू को वहाँ जाना है और मुर्गी देखनी है, गाय भैंस को देखना है, चारा खिलाना है उनको। और वहाँ पर बुआ के पोते भी हैं, पोता पोती भी है, तो उनके साथ वानू को खेलना भी है। तो हम लोग आ गए हैं यहाँ पर अब हनुमान धाम। ये देखिए बहुत ही शानदार बना है ये, और मुझे लग रहा है ये 5-6 साल पहले बना होगा, क्योंकि पहले नहीं था। और कोरोना के टाइम पर जब हम लोग आए थे यहाँ पे, तो उस समय ये कोरोना के टाइम पर बंद था। तो ये लेफ्ट साइड में दुकान है, यहीं से आप पूजा सामग्री ले सकते हैं। यहाँ पर लड्डू और मिष्ठान भंडार भी है। और ये देखिए यहाँ पर बहुत सारे जो है वो शॉप्स हैं, खाने पीने की शॉप्स हैं, आइसक्रीम बच्चों के लिए, और पूजा सामग्री का है। और बाहर जो है बहुत गाड़ियों की पार्किंग है, पार्किंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। और एक जो है गर्जिया मंदिर था, वो बहुत सारे लोगों को पता होगा कि यहाँ पर गर्जिया मंदिर है। और दूसरा ये जिम कॉर्पोरेट के पास जो है हनुमान धाम पड़ता है, तो आप भी इधर ज़रूर आएँ। बहुत बड़ा कैंपस बनाया है यहाँ पर, और पूरी व्यवस्था है पार्किंग से लेके आप जूते चप्पल यहाँ पर लेफ्ट साइड में खोल सकते हैं, और दुकानें भी हैं, खाने पीने के दुकानें भी हैं, और इसके बगल में एक बहुत बड़ा होटल भी खुला हुआ है। तो कुछ लोग शायद वहीं पे होटल बुक कर लिए थे। और ये देखिए लेफ्ट और राइट में जो है वो बहुत बड़ा कैंपस है, हो सकता है यहाँ पर ये आश्रम की जगह है, रुकने की जगह है, या फिर हो सकता है आने वाले टाइम में शॉप्स खोलेंगे यहाँ पर। तो ये स्टेयर्स हैं यहाँ पर हनुमान धाम की, और एक साइड में जाने के लिए है मंदिर में, और एक साइड में नीचे आने के लिए। और गर्मी की वजह से यहाँ पर मैट में जो है इन्होंने पानी छिड़काया हुआ है, गीला किया हुआ है, क्योंकि जो है नंगे पांव आप जाओगे तो थोड़ा सा गर्म लगेगा, इसलिए जो है मैट में पानी छिड़का हुआ है। और ये सामने आप ऊपर से देखेंगे व्यू हनुमान धाम का, तो ऐसे दिखाई देगा। बगल में बहुत जगह है पार्किंग के लिए, और मेन गेट से जो है बहुत ही शानदार लगता है। और मंदिर में एंटर करने के बाद आप राइट साइड में आएंगे, तो यहाँ पर एक शिवालय है, और नंदी की भी मूर्ति है। तो जनरली लोग नंदी के कान में बोलते हैं, जैसे बानू भी बोल रही है, कुछ विश मांगते हैं, और नंदी जी जो है उस विश को पूरा करती है। और यहाँ पर शिवालय बनाया गया है। उसके बाद पूजा करने के बाद हम लोग आए हैं बाहर। बानू को जो है बहुत ही मज़ा आ रहा है इसमें, और ये बहुत बड़ा कैंपस है। तो आप लोग ज़रूर आएँ, जब भी रामनगर या जिम कॉर्बेट या उससे आगे आप जाना हो, तो यहाँ पर जो है थोड़ी देर के लिए। ये हनुमान धाम पड़ता है काला ढूंगी से, जब रामनगर की तरफ जाएंगे तो बीचों बीच में है ये, और लेफ्ट मेन रोड से थोड़ा सा अंदर है, 1-1.5 किलोमीटर का, जैसे मैंने पहले बताया। तो ये ऊपर से व्यू आप देख रहे होंगे, बहुत सारे जो है हनुमान जी, जय श्री राम या भगवा झंडा जो है यहाँ पर लहरा रहे हैं, और बोर्ड भी लगे हैं यहाँ पर। अंदर जो है वो कैमरा अलाउड नहीं है, इसलिए हम अंदर की फ़ोटो नहीं ले सकते। वहाँ पर अंदर जो है भजन कीर्तन चल रहे हैं, बहुत सारे लोग वहाँ पर जो है भजन कीर्तन सुन रहे हैं,
और यहाँ पे बानु जो है डांस करती हुई, क्योंकि भजन कीर्तन की आवाज़ आ रही है और बहुत सारे लोग जो है देख रहे हैं, तो बहुत ही एकदम अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके, मंत्रमुग्ध हो गया। और हम पहली बार आए हैं तो उस हिसाब से जो है हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। अंदर जो है फ़ोटो अलाउड नहीं है, तो अंदर हनुमान जी की बहुत बड़ी मूर्ति है, वहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं। और हम दर्शन करने के बाद जो है स्टेयर से नीचे आ गए हैं। यहाँ पर बहुत सारे भगवे झंडे जो है यहाँ पर लोगों ने लगाए हैं, हो सकता है लोगों ने जो है अपनी विश पूरी करने के लिए यहाँ पर कुछ धागे भी बांधे हैं ऑरेंज कलर के। और ये जो है जय श्री राम वाला झंडा, और यहाँ पर जो है प्रोग्राम भी हुआ था जब अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हुआ था 21 जनवरी को, मोदी जी और वहाँ के जो मंदिर के पुजारी थे, और बहुत बड़ा फंक्शन हुआ था, आप सब लोगों ने देखा होगा, और हम लोग भी गए थे हॉल में उसको देखने के लिए प्रोग्राम को। तो यहाँ पर भी कुछ इसी टाइप का प्रोग्राम हुआ होगा, तो इसीलिए जो है यहाँ पर अभी भी वो बोर्ड लगाया गया है कि 3 दिवसीय महोत्सव जो 21 जनवरी को हुआ था प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष में श्री हनुमान धाम छोई रामनगर। तो ये ऊपर से व्यू है और बहुत ही शानदार है व्यू है इसका, और बानु को जो है बहुत ही मज़ा आया यहाँ पर। और एक साइड से लोग जाते हैं, एक साइड से आते हैं, और बानु जो है जय जय करते हुए जितनी सीढ़ियाँ नीचे आ रही है उतनी सीढ़ियों में जय जय कर रही है, ये देखिए। और भीड़ ज़्यादा नहीं है क्योंकि बहुत नया बना है ये गेट, एंट्री गेट देखिए बहुत ही शानदार है, और जगह काफ़ी है यहाँ पर, जितने भी लोग आए तो भीड़ की कोई गुंजाइश नहीं है। और लेफ़्ट साइड में पानी के पीने की भी व्यवस्था है वहाँ पे गेट, जब आप गेट से एंटर करेंगे तो राइट में, ये देखिए बानु जय जय करती हुई हर सीढ़ी पे जो है जय जय कर रही है। और यहाँ पर जो है हमने स्लीपर रखे थे, तो ये हनुमान धाम की यात्रा जो है पूरी हुई। और यहाँ से हम लोग जा रहे हैं टेढ़ा की तरफ, तो हमें जो है हम लोग आ रहे हैं रामनगर साइड में पहले। और ये देखिए मेरे रामनगर का कॉलेज जहाँ से मैंने ग्रेजुएशन किया था, PNG PG कॉलेज। जब आप कालाडूंगी से रामनगर की तरफ आएंगे तो वहाँ पर कोसी बैराज पड़ती है, कोसी नदी, जहाँ पर बहुत सारे लोग जो है शाम को घूमने भी जाते हैं। तो ये एंट्रेंस गेट है कॉलेज का, PNG PG कॉलेज, यहीं से मैंने ग्रेजुएशन किया था और यहीं पर हॉस्टल में रहते थे हम लोग। तो ये बड़ा कैंपस है यहाँ का, और रामनगर साइड से जो ऊपर जितना भी एरिया पड़ता है तो वहाँ के लोग जनरली जो है यहीं पे अपना ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करने यहीं पर आते हैं। तो ये हम जा रहे हैं अब लखनपुर चुंगी, जो है हिल स्टेशन के लिए जो है एंट्रेंस है, और वहाँ से जो है ऊपर मानिला और मौलेखाल के लिए रास्ता जाता है। तो हम लोग अब आ चुके हैं टेढ़ा में बुआ के यहाँ, और उन्होंने गाय पाल रखी है यहाँ पे और मुर्गियाँ भी पाल रखी है, तो बानु को जो है बहुत ही मज़ा आने वाला है यहाँ पर, क्योंकि बानु को ये सब देखना था। तो हम लोग बानु को यहाँ लाए हैं, और बानु जो है घास खिलाने के लिए आ गई है यहाँ पर, डर भी नहीं रही है बानु की कहीं गाय वाय मारेगी करके। तो बानु जो है उसको देखो ये मुर्गियों को खाना खिला रही है बानु, और बानु को बहुत मज़ा आया। तो गाइज आप रामनगर जिम कॉर्बेट आए हैं तो हनुमान धाम ज़रूर आएँ, यहाँ पर दर्शन करें हनुमान जी का, बहुत शानदार है। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हनुमान जी की।